मेरा नाम मितवा गुरमीत सिंह है। मितवा गुरमीत एक सहायक कलाकार के रूप में कई फिल्मों में सामने आए। तू निकल जा। घायल, घातक, खाकी, लज्जा, गॉड मदर जैसी फिल्मों में उन्होंने कुछ खास किरदार निभाए। ठीक कहता है मितवा, अपन को तो पहले ही 302 लगा कर अंदर भेजेला है, कभी भी लटका देगा। मैं तो कहता हूँ पहले मौके मिलकर भाग निकलते हैं। ठीक कहता है मितवा। ये जो बालों का मेरा प्रॉब्लम था ना, ये तो मितवा का मानना है कि मुंबई आने के बाद उनके बाल झड़ने लगे और धीरे धीरे वो 6th to 7th ग्रेड बॉल्डनेस की कतार में आ गए। अपने फिल्मी साथियों से उन्होंने डॉक्टर सुनीत सोनी के बारे में सुना और वो मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में डॉक्टर सुनीत सोनी से मिलने आ गए। डॉक्टर सुनीत सोनी ने मितवा के हेयर लॉस, बॉल्डनेस और डोनर एरिया को देखा और फिर मितवा को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। मितवा जो हाई ग्रेड बॉल्डनेस के शिकार थे और साथ ही डोनर एरिया उनका मजबूत नहीं था, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर सुनीत सोनी ने FUT द्वारा ट्रांसप्लांट करने को ठीक समझा। अगर मैं इनकी कंडीशन देखूं, जो कि ऑलमोस्ट ग्रेड 6 है, करीब करीब पूरा खाली है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका बॉल्डनेस रिसीव होकर यहाँ तक आएगा, तो जो एरिया लाइफ लॉन्ग रहता है ये वाला, इसी को सेफ जोन बोलते हैं। जनरली ये 5 सेंटीमीटर यहाँ होता है और 5-6 सेंटीमीटर साइड में ब्रिथ का होता है और करीब करीब यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर होता है। जब अपन स्ट्रिप हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सारा का सारा ये सेफ जोन से ही होता है। इनफैक्ट ऊपर और नीचे का एरिया डिस्टर्ब नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम सेफ जोन से थोड़ा और थर्ड टाइम थोड़ा और लिया जा सकता है। कंपेयर टू FUE, जब पूरा सेफ जोन तो यूटिलाइज हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी चले जाते हैं और टोटल ग्राफ्ट भी कम आते हैं। तो अगर सेफ जोन से आप स्ट्रेस हार्वेस्ट कर रहे हैं तो अपन एक ईयर से दूसरे ईयर तक ले पाते हैं, करीब करीब 3,500-4,000 ग्राफ्ट तक इसमें निकल जाते हैं। जनरली इनके केस में FUE करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डेंसिटी थोड़ी कम है, एरिया भी कम है, तो FUE करते तो शायद ये यहाँ से भी निकाल लिए जाते, टोटल मिला के शायद 2000 ग्राफ्ट तक ही निकाल पाते। फिर उनको बीएड से करीब 1000 ग्राफ्ट बीएड चेस्ट से मिलते, तो टोटल 3000 तक ग्राफ्ट मैक्सिमम मिलते। जब 3000 ग्राफ्ट वो यहाँ लगाते तो एरिया भी कम कवर होता और पीछे सारा एरिया डिस्टर्ब हो गया होता, सेकेंड टाइम के लिए कहीं से भी नहीं बचता। ऑब्वियसली अगर वो यहाँ से FUE करके निकालें इस टॉप वाले एरिया से और इनको सामने लगा दें, जब ये बाल झड़ेंगे तो यहाँ से लिए हुए बाल भी झड़ जाते, तो इसलिए अनसेफ जोन से FUE करने में वो उनकी सर्वाइवल लॉन्ग नहीं रहता, जल्दी झड़ जाते, डोनर कम है। तो अपन अगर FUT कर रहे हैं तो अपन करीब करीब यहाँ तक इनको फुल कर लेंगे, इतना एरिया। नेक्स्ट टाइम अपन ये कर लेंगे, दो बार में करीब करीब 80% एरिया कवर्ड हो जाता है, जिससे नॉर्मल दिखने लगते हैं। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में डोनर एरिया यानी सेफ जोन से स्ट्रिप बाहर निकाला गया। डॉक्टर सुनीत सोनी ने मितवा को कटिंग रूम में उनके बालों को डायसेक्ट होते दिखाया। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में आधुनिक मशीनों की मदद से ट्रेन टेक्नीशियंस द्वारा 99% ग्राफ्टों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर सुनीत सोनी ने मितवा के इम्प्लांट के लिए स्लिट बनाए। स्लिट बनाते समय डॉक्टर सुनीत सोनी ने एंगल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही आर्टिस्ट्री का खास ख्याल रखा। अगले ही दिन मितवा ने हमें बताया, I'm very happy. Still, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैंने जंग जीत लिया है।